आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। देश की सबसे बड़ी अदालत आज ये तय कर सकती है कि लाल बत्ती किसे मिले। पिछले दिनों सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि इस मामले में कोई अंतरिम आदेश उसकी ओर से दिया जा सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट तीन रिटायर्ड जजों, एक रिटायर्ड डीजीपी और एक एनआईए मेंबर को लेकर एक कमेटी बना सकता है जो लाल बत्ती के अलॉटमेंट को तय करे। आशीष सिन्हा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, सुनवाई शुरू कब होगी? सुनवाई तकरीबन चित्रा 10:30 बजे के तकरीबन शुरू होगी। सबसे बड़ी बात है कि लास्ट टाइम ही सुप्रीम कोर्ट ने इशारों में कह दिया था कि 3 सितंबर यानी आज के दिन सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश जारी कर सकता है, साथ में कुछ गाइडलाइन भी बना सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी भी बना सकता है जिसकी देखरेख में तय होगा कि आखिर लाल बत्ती किसे दी जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को महसूस किया है कि लाल बत्ती जो आजकल है वो स्टेटस का सिंबल बन चुका है, इसलिए हर कोई लाल बत्ती चाहता है। लिहाजा देखना यही होगा कि जब 10:30 बजे मामले की सुनवाई शुरू होगी तो क्या सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को इस पे आदेश भी जारी करता है। देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि पिछले काफी दिनों से लाल बत्ती के न सिर्फ दुरुपयोग का मामला बढ़ा है, जैसा कि आपने जानकारी भी दी कि ये एक स्टेटस सिंबल में तब्दील होता हुआ चला जा रहा है। देखना यही होगा कि आज कोर्ट की ओर से इस मामले में निर्देश क्या दिए जाते हैं। वहीं 2G मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। इस मामले में आरोपियों ने पुनर्विचार याचिका दायर कर रखी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि 2G से जुड़े किसी भी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और 2G स्पेशल कोर्ट के अलावा कोई दूसरी अदालत नहीं करे। ऐसे फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई है। आशीष हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। आशीष, कोई दूसरी अदालत इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं करे, इसको लेकर भी आज सुनवाई है, इस मामले में क्या कुछ जानकारी देंगे आप? देखिए चित्रा, यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा कि आज कोई सुनवाई नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने लास्ट वीक ही इस पूरे मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। तकरीबन 2:55 पे सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगी। जो आरोपी पक्ष है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और ये कहा था कि चूंकि चार्जशीट फाइल हो चुकी है इसलिए सुप्रीम कोर्ट को अब इसमें मॉनिटर नहीं करना चाहिए, साथ ही सुप्रीम कोर्ट को अपने उस आदेश पर पुनर्विचार करना चाहिए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि 2G से रिलेटेड किसी भी मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट और 2G स्पेशल कोर्ट के अलावा ना करे। इनका साफ तौर पर कहना था कि ये उनका अधिकार है कि वो इस फैसले को, अगर 2G स्पेशल कोर्ट से कोई फैसला होता है तो वो उसको हाईकोर्ट में चुनौती दे सके। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट को आज ये तय करना है कि क्या सुप्रीम कोर्ट और 2G स्पेशल कोर्ट के अलावा भी जो दूसरी अदालतें हैं वो 2G से संबंधित मामलों पर सुनवाई कर सकती हैं या नहीं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो 2G मामले में आज फैसला आना है। देखना यही होगा कि देश की सर्वोच्च अदालत की ओर से पूरे मामले में क्या कुछ कहा जाता है।